दोस्तों, कई बार आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि जो भी टेबल लिखी होती है उसके अंदर माइनस माइनस का आपको अलग से सम करना होता है, प्लस प्लस का अलग से सम करना होता है। तो ये हम फॉर्मूला से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको वही सिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहे। और यहाँ पर हम सिंगल क्राइटेरिया विदाउट सम रेंज के साथ में हम यहाँ पर सम इफ यूज़ करेंगे। इक्वल टू सम इफ, सम इफ करेंगे यहाँ से, करेंगे C5 से, और इसको मैं C1000 तक कर देता हूँ, जिससे कि आप नीचे ऐड करेंगे तो भी उसका वो कंसिडर ले लेगा। कोमा करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन 0। और जब भी ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना होता है। ग्रेटर देन 0 करके इन्वर्टेड कोमा मैंने ऑफ किया, ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। जैसे मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा, यहाँ पे आपको डीसी रिसीट का टोटल आपको ला के दे देगा। देखिए आप, डीसी रिसीट का टोटल इसने ला के दे दिया। इसी तरह से पेमेंट के लिए करेंगे इक्वल टू सम इफ, यहाँ पे हम रेंज देंगे वही जो पहले दी थी, C5 से C1000, कोमा करेंगे। इस बार यहाँ पे हम लेस देन 0 करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ओके करेंगे। ये आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा, हम नेगेटिव नेगेटिव टोटल आ गया। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ, नंबर फिल्टर ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल जो आ रहा है 10 निब्बे आ रहा है। आपको मैं जूम करके बता, 10 निब्बे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख 10 निब्बे आ रहा है। ठीक, इसी तरह से फिल्टर कर लेते हैं, लेस देन में 0, ओके सम करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं, यहाँ पर टोटल आ रहा, देखिए 10 77 892, 10 77 892। इस तरह से आप सिंगल रेंज देते हुए समीप लगाते हुए यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव का टोटल अलग और पॉजिटिव पॉजिटिव टोटल अलग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अभी तो अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।